Do you know anything in yoga? How many of you are sighted or non-sighted? Non-sighted. Okay. So do you think you cannot do yoga? No, wait. नहीं कर सकते ऐसा लगता है आप लोग को? कर सकते हैं ना, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, सही बात है, है ना? ओके, काइंड ऑफ कुंडलिनी योगा, क्रिया योगा, ओके, ओके, नाइस. सो ऑल ऑफ यू नो मेनी थिंग्स एंड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ओके, सो एवरीथिंग इन अ कॉम्बिनेशन. Huh? Now, can you remember one traditional name related to yoga? कुछ पुराने जमाने का नाम याद आता है योगा सोच के? Yes, sur, very good. अष्टांग योगा. कोई बता सकता है अष्टांग योगा क्या होता है? What is अष्टांग योगा? This is a yoga quiz, okay? Participate. And we have a center, Prana Yoga Therapy Center in Mumbai. We are working in the field of yoga since last 3 decades, 30 years. And last 2 years, we have made an effort, made a small try that we can include everyone into this yoga. Because what we saw, कि जब भी आप योगा करना चाहते हो तो सभी टीचर्स इस काबिल नहीं होते कि आपको सिखा पाए, स्पेशली विद विजुअल इम्पेयरमेंट. ओके, सो आई एम माई सेल्फ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आई एम ब्लाइंड एंड आई नो व्हाट इट इज व्हेन अ टीचर डजंट इंस्ट्रक्ट प्रॉपरली. सो वी मेड एन एफर्ट एंड वी ट्राइड दिस अ स्मॉल स्टेप अहेड इनटू इंक्लूडिंग एवरीवन फॉर योगा. So we have a lot of online classes. We made online yoga accessible to the persons with blindness and low vision. And our therapists are a big team, 25, more than 25 therapists, yoga therapists, teachers who are working and teaching yoga online to a global clientele and global audience, to mainly in the visually impaired community. And I'm also here to learn many other disabilities so that we can extend these services to the other sectors as well, where other yoga teachers have not touched. So I'm really happy that many of you know, and very happy to announce that when we give teachers training courses at our center, it was a beautiful thing that which happened, that we included the blind. Heard her, so we have Kameshwari too. And yeah. Kameshwari is the first blind lady to clear the yoga certification board exam from Ayush Ministry. And second is Swati Sinha. She is also here in this fest. So it's a nice thing for me that these two students have come over here. Okay, let's go ahead with the quiz. What is the practice which you remember? You know, TV dekhte the. Kitne log TV dekhte yoga karte the? करते थे क्या? किसको देखते थे? और उसमें क्या सबसे ज्यादा प्रचलित योगा प्रैक्टिस था? और ग्रेट. सो काफी कुछ जानते हैं आप लोग. सो लेट अस स्टार्ट. सो आप लोग, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा लाई डाउन, जस्ट थोड़ी सी थकान निकाल लीजिए. हम लोग शवासन से शुरू करेंगे. ओके, तो जस्ट लाइक आराम से लेट जाइए अपनी बात पे. व्हिच इज टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने आप को जानने की क्रिया है. हमेशा हम लोग की जो टेंडेंसी होती है ना, वो बाहर की तरफ होती है. एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज रेज द माइक वॉल्यूम? यू आर पार्टी हियर मी? इज इट बेटर? थोड़ा और. ओके, आई डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द वॉल्यूम. हल्के से उस पलकों का वजन अपनी आंखों पर महसूस कीजिए. आसपास कुछ आवाजें आ रही हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं. आपको अपने आप से कनेक्ट होना है. अपने जबड़े को यूज कीजिए. मेक श्योर दैट यू आर अप. आ जाइए अपनी सांस पर. महसूस कीजिए आपकी सांस कैसे चल रही है. जो चल रही है वो चल रही है.
टेम्परेचर महसूस कीजिए, जानिए उस फर्क को, एक्सपीरियंस दैट डिफरेंस, दैट डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्रेथ विच इज बीइंग इनहेल्ड, विच इज बीइंग एक्सहेल्ड. फोकस योर अटेंशन ऑन द चेस्ट. What is happening? How the chest is responding to the breath? जैसे सांस अंदर आ रही है, छाती का expansion होना महसूस होता है, आपके lungs expand होते हैं. जैसे जैसे सांस बाहर जाती है, lungs release होते हैं, relax होते हैं. यही प्रक्रिया आप पेट में महसूस करते हो. आपका पेट कैसा है? सांस के आने से आपका पेट फूल रहा है, सांस के जाने से पेट अंदर जा रहा है. होने दीजिए अपने, अलाउ द एब्डोमेन टू रिलैक्स. इनहेल डीपली, एक्सहेल complete. पूरा शरीर रिलैक्स हो गया. अलाउ द बॉडी टू रिलैक्स. एक्सपीरियंस द रिलैक्स बॉडी, द रिलैक्स ब्रेथ एंड द रिलैक्स माइंड. एंड नाउ इट डजंट मैटर वेदर देयर इज नॉइस अराउंड. You are with yourself. Gently become aware of the breath. Just bend your legs in the knee joint. दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ लीजिए. आराम से जस्ट कीप योर फीट ऑन द मैट. दोनों घुटने आपके सीलिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. ओके, आपने इस प्रकार मोड़े कि आपके नीज पॉइंटिंग टू द सीलिंग. सो जस्ट स्ट्रेटन योर राइट लेग, राइट पैर को लंबा कर दो. ठीक है, सीधा उठा लो ऊपर. राइट पैर को सीधा घुटने में सीधा रखो. कीप योर नी स्ट्रेट ऑफ द राइट लेग एंड लिफ्ट द लेग अप 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 एंड लेट इट कम डाउन. डोंट टच द मैट. अगेन टेक इट अप, ब्रिंग इट डाउन. ब्रीद इन, टेक योर लेग अप. ब्रीद आउट, टेक द लेग डाउन. ओके, लेट्स डू विद द लेफ्ट लेग. Bend your right leg and straighten your left leg. Right leg, we are not including any fast pace or any intense practice. This is just to give you that how the body can open up, you know, with relaxation, with light practices. Okay, let's do the next position. Aur dheere dheere chest ke paas leke aao. Dono knees ko chest ke paas leke aao. Abhi jisko agar ghutna modne mein takleef hota hai, to haath se pakadne ke time थाइस को पकड़ सकते हो. अदरवाइज कैन होल्ड योर नीज. एनसर्कल योर आर्म्स अराउंड योर नीज. हग योर नीज, हग योर नीज, हग योर नीज. प्यार से अपने दोस्त को गले लगाते हो, वैसे अपने घुटनों को गले लगाओ. एंड जस्ट स्टे देयर. जिसको घुटना पकड़ने में तकलीफ हो रहा है, कैच योर थाइस, कैच योर थाइस. जस्ट स्टे देयर. इनहेल, एक्सहेल. अपने बैक को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, नेक को रिलैक्स कीजिए. हेड उठाना नहीं है. डोंट लिफ्ट योर हेड. लेट योर नेक रिलैक्स, लेट योर हेड रिलैक्स. जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, धीरे से छोड़ दो. रिलीज, रिलैक्स. कमर में अच्छा लग रहा है ना. नीज पे आइए. दोनों पाम्स या पाम्स अंडर योर शोल्डर्स.
under your shoulders, knees under your hips. समझ आ रहा है? बस आप किसी बच्चे को बिठाओगे अपनी पीठ पर और घोड़ा बन के चलोगे तो क्या पोजीशन लोगे? कैमल का पीठ कैसा उठा हुआ होता है? कैट अंगड़ाई लेती है, बिल्ली अंगड़ाई लेती है, कैसे पीठ को फुलाती है ऊपर? फुला, लुक एट योर नेवल, लुक एट योर नेवल, अपनी नाभि को देखिए. यस, पीठ को फुलाइए ऊपर, गोलाई है, बैक को स्वेल कीजिए ऊपर. नाउ रिलीज, बैक को नीचे लाइए, कॉनकेव बनाइए, बैक को सी शेप बनाइए, नीचे लाइए, पेट को नीचे झूलने दीजिए. लुक इन द फ्रंट, लुक इन द फ्रंट. व्हेन यू ब्रिंग योर बैक डाउन, लुक इन द फ्रंट. अगेन स्वेल अप योर बैक, बैक को फुलाइए एंड ब्रिंग इट डाउन. सो व्हेन यू स्वेल अप योर बैक तो आपको अपनी नाभि को देखना है. Look at your navel when you raise your back upwards. Write an umbrella. Swell up your back. And now release. Let the back come down. Let your tummy hang. Look in the front. So this is the cow pose. And when you swell up your back, it is the cat pose. So it's a combination of cat and cow. Okay, that's good. Ceiling. And bring, direct your chest towards your knees. Okay, push your chest towards your knees. See, you're getting a nice stretch in your shoulder. Release. देखो, अभी इसको छोड़ दो. चलो वज्रासन में बैठ सकते हो. जो लोग वज्रासन में बैठो, जो लोग वज्रासन नहीं डाल सकते, जस्ट रिलैक्स. आप लोग जो पोजीशन चाहे उसमें बैठ जाओ. दिस इज द अपवर्ड फेसिंग डॉग. कम बैक, पुश योर हिप्स बैक टू दैट पोजीशन. टेबल टॉप. सी फ्रॉम द टेबल टॉप यू कैन डू सो मेनी वेरिएशंस. सो फ्रॉम टेबल टॉप यू वेंट टू द डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. Then again come to the table dog. Then you went to the upward facing dog. Okay? Now let's do in a sequence. Chalo. Iska maza ab aaya. Chalo. Table dog. All of you in the table dog? Yes. Come. Let's go to the downward facing dog. Lift your knees. Press your knees down. V shape. Ulta V banao. Ulta V. Point your hips up. Yeah. Equal pressure on the forelimbs. ऊपर सीलिंग के तरफ जितना हो सके ले जाइए. पूरे एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए. चेहरा सामने रखिए. लुक इन द फ्रंट. लेट योर अपर आर्म्स पास बिसाइड्स योर ईयर. डोंट टाइटन योर लेग्स. टेक अ नाइस डीप ब्रेथ. रिलीज. टेक अ नाइस डीप ब्रेथ अगेन. Release. Okay. Now interlock your fingers. ऊपर अपने fingers को interlock कर लो. 5, 6, 7, 8. आ जाओ center में आ जाओ. और chin को नीचे लाओ. Almost अपने throat का base में touch करो. तुम्हारा तो हो ही जाएगा. बच्ची है वो अंशिका. अच्छा हम सीखा. ओके सी दैट इज द अवेयरनेस चिल्ड्रन हैव. ओके चिन अप, चिन डाउन. इनहेल चिन अप, एक्सहेल चिन डाउन. इनहेल कम टू द सेंटर. ओके नाउ लेट्स डू ट्विस्टिंग. तो अपने लेफ्ट साइड पे जो बैठा है उसको देखो. लेफ्ट साइड जो बैठा है उसको देखो. या सीधे बैठे रहो, बस वैसे ही देखते रहो उसे. गर्दन में ट्विस्ट आ रही है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. चलिए सेंटर में आइए एंड टर्न टू योर राइट. लुक एट योर राइट साइड.
look towards your right, feel the twist in the neck, inhale, exhale. Again, heels up, heels down. Heels up, heels down. Heels up and stay there. Stay there. Just focus on the breath. Saanson pe dhyan dijiye. Saanson pe dhyan dijiye. शुरू शुरू में हम लोग को थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हो जाता है. आ जाइए, नीचे आ जाइए. रिलीज रिलीज. ओके, चलो दो तीन चक्कर मारो. हील्स पे चलो. डोंट कीप योर टोज ऑन द मैट. जस्ट वॉक ऑन योर हील्स थ्रू आउट योर मैट. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलीज. अभी उल्टा, टोज पे चलो, टोज पे चलो. हील्स उठा, टोज पे चलो, पूरी मैट पे चलो. मैट के बाहर नहीं जाना है, ठीक है? मैट के बाहर नहीं जाना है. टोज पे चलो, हील्स को मैक्सिमम उठा के चलो. या गुड. रिलीज. आ जाइए. सकते हैं देखो, घुटने मोड़े बगैर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ. एंड नाउ ब्रीद आउट एंड बेंड फॉरवर्ड. अपर बॉडी को आगे झुकाओ, अपने पैर छूने की कोशिश करो. घुटने मोड़ने नहीं है, शर्त यही है. डोंट बेंड योर नीज प्लीज. Allow the head to relax, allow the hands to relax in the front. अपने शरीर को आगे पीछे से झुको. आ जाओ सेंटर. फिर से करना लास्ट बार. एंड स्टे देयर. जस्ट ब्रीथ. अपनी सांसों को महसूस करो इस पोजिशन में. थोड़ा देर स्ट्रेच आने दो, मजा आएगा. तो जो आप लोग ने सुना ना केतकी से कि ब्रीदिंग क्या हेल्प करता है, अभी थोड़ा सा ब्रीदिंग तो है, महसूस करो. 5 मिनट. ओके, ओनली 5 मिनट्स लास्ट. जस्ट सिट डाउन. अगेन ब्रीद इन डीप.